आज हम गिलोय के बारे में कुछ बात करेंगे। ये एक प्राकृतिक पौधा है जिसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे, और इसके लिए बगीचे में चलते हैं। तो सीधे गिलोय के पास हम चलते हैं और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये क्या होता है। तो आपको जानकारी देंगे श्री चेत्रा मौर्य, जो योगा और एक्यूप्रेशर पे काम करते हैं। ये क्या है? ये गिलोय की बेल है पौधा इसका, और ये कहीं पे भी उगाया जा सकता है, और नीम पर अगर उगाया जाए तो बहुत अच्छा होता है। जी और ये मोटी डंडी है इसकी, काफ़ी मोटी हो गई है, काफ़ी दिन हो गई है, और इसमें पत्ते नहीं है, पत्ते पान जैसे होते हैं। यहाँ पर हम इसमें डंडी तो बरसात के सीजन में पत्ते आ जाएंगे। हाँ थोड़े दिन बाद आ जाएंगे पत्ते, और जी पत्ते आ जाएंगे। अब तो नहीं हमने एक इसका एक तना ले लिया, टुकड़ा ले लिया हाँ ये। टुकड़ा ले लिया ये, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? अब इसको हम छोटे छोटे पीस काटेंगे, और इसके लिए फिर कूटेंगे, पतला छोटा छोटा कर लेंगे, जी फिर इसे 4 कप पानी में जो है उबालेंगे। जी जब 1 कप पानी रह जाए तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे, सुबह निहार मुँह जो है पियेंगे। ठीक है, हाँ तो इसे हम ऐसे, पहले काट लें। हाँ इसको काट लें इसको, अब इसे काटना शुरू कर रहे हैं, इसके छोटे छोटे पीस बना लेंगे। तो हमने ये कटिंग करके ये छोटे छोटे पार्ट्स में टुकड़े बना लिए हैं, और आप देख रहे हैं कि अरे टुकड़े का कलर जो अंदर से है ये थोड़ा सा पीलापन सा लिया हुआ है। ये तो इसका मतलब ये गिलोय पक चुकी है, और अच्छी क्वालिटी की गिलोय, ये बहुत उत्तम क्वालिटी की गिलोय की लकड़ी है। ये अगर अंदर से सफ़ेद होती है तो इसका मतलब इसका पौधा लगाए हुए बहुत कम टाइम हुआ है, और ये अगर इस तरह की है तो बहुत अच्छी गिलोय है। अब हम इसको छोटे छोटे पार्ट में काटने के बाद इसको कूट लेंगे। कूटने से क्या होगा, इसका सत आराम से निकल जाएगा। ये खरड़ है, और खरड़ में हम इसको कूटने की व्यवस्था बना रहे हैं। आप ओखली या कुछ किसी भी चीज में इसको कूट सकते हैं, कि जरूरी नहीं इसी तरह का अपरेटस आपके पास हो। तो अब इसको कूट रहे हैं, और कूटने के बाद जैसे हम अदरक कूटते हैं उस तरह से इसको कूट लेना है। चाय बनाने के लिए हम अदरक कूटते हैं उस तरह से इसको कूट लेना है। अब हमने ये कूट के तैयार कर लिया है, इसको हमें कटोरे में फिर से इसमें लिया था ट्रांसफर कर लेते हैं। कूटने का पर्पज हमारा इतना है कि इसमें से ज्यादा सत निकल के बाहर आ जाए। देखिए हमने कूट लिया इसको, और अब हम इसको पानी में उबालेंगे, पानी डालेंगे, और 4 कप पानी हम इसके लिए लेंगे। एक, दो, तीन, चार। 4 कप पानी लेने के बाद में अब गैस पर चढ़ा देंगे, और इसमें हम अब गिलोय डाल देंगे। जो हमने कूटी गिलोय ली है उसको हम डाल देंगे। ये देखिए 4 कप पानी हमने लिया है। अब ये पानी कितना रह जाएगा तो हम इसको निकालेंगे। 1 कप, 1 कप पानी यानी 1/4 पानी रह जाएगा, तब तक हम इसको तेज आंच पे खौलाएंगे और इसको खोलने देंगे। ऐसे जब 1 कप पानी रह जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। इसके फायदे क्या क्या हैं? इसका फायदा है कि शरीर के अंदर इम्यूनिटी इसमें बनी रहती है, अच्छा इम्यूनिटी इसकी बनी रहती है, प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर की बनी रहती है। रहती है, और ये लगभग सभी लोगों में काम आती है, कोई किसी बुखार में तरह इसका क्या रोल है? बुखार कम होता है इससे या क्या? बुखार बुखार कम होता है, टाइफाइड में भी बुखार, टाइफाइड है, मलेरिया है, किसी तरह का बुखार हो इससे मतलब जो है सब सही हो जाता है। अच्छा, और खांसी जुकाम वगैरह में इसमें कुछ इसका रोल है? कुछ खांसी नजला जुकाम सब में उसका रोल है, सब में रोल है। तो इसको एक नॉर्मल आदमी पी सकता है या केवल जो बीमार है वही पी पाएंगे? नहीं कोई पी सकता है, कोई भी पी सकता। कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी इससे ठीक होता है? इससे सब सही होता है, पेट साफ रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है इससे। हाँ किसी को ज्यादा खांसी है कफ वगैरह में कुछ फायदा मिलता है उसको? हाँ सब तो फायदा मिलता फायदा मिलता है जी। तो हम इसको इंतजार करते हैं कि जब तक 1 कप पानी रह जाएगा। अभी ये स्टार्ट हो गया है, इसका कलर धीरे धीरे चेंज होगा। जैसे जैसे पानी की क्वांटिटी कम होती जाएगी इसमें से पानी जलने लगेगा, इसका कलर भी कुछ चेंज होने लगेगा। क्या नॉर्मल बुखार है, उसके अलावा किसी और बुखार में भी इसका रोल हो सकता है? हाँ चिकनगुनिया, डेंगू अच्छा फीवर, हाँ इसमें भी मतलब अच्छा रोल होता है।
जो भी बिगड़े हुए टाइप के बुखार होते हैं उसमें सब में ही काम आता है जी। ये पानी गर्म होने लगा है थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा देर बॉयल हो जाएगा, आप देखेंगे इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज होने लगा है। कलर चेंज होने का मतलब है कि इसके एक्सट्रैक्ट जो है ग्लोई के वो सारे इस पानी में मिलने लगे हैं। हमारा पानी बॉयल होने लगा है और धीरे धीरे ये खोल खोल के जल जाएगा पानी और ये 1/4 रह जाएगा, तो हम इसको उतार लेंगे। इसमें कभी कभी आपको पता चलेगा कि ये जो हल्का सा कालापन आता है तो उसको आप छलनी से छान के बाहर ऊपर निकाल सकते हैं। ये जो पौधे की छाल होती है उसके ऊपर जो धूल मिट्टी लगी होती है उसकी गंदगी है, अगर नहीं भी छानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान वाली बात नहीं है। पानी का कलर हमारा चेंज होना शुरू हो गया है, कुछ आपको लगता है कि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स कुछ ऐसे पड़े हुए हैं तो उसको आप निकाल सकते हैं। तो ये पानी जो हम बना रहे हैं ये क्या डेली बनाना होता है, कैसे कितने दिन तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? डेली बना लो या मतलब 2-3 दिन तक बना कर रख लो उसको, तो एक बार बनाने के बाद 2-3 दिन तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको कितनी फ्रीक्वेंसी पीना है, सुबह शाम पीना है या तीनों टाइम पीना है? सुबह शाम पी, सुबह शाम पी, खाने के पहले खाने के बाद? खाने के पहले, खाने के पहले जी। और कितना पीना है एक बार में? एक कप, एक कप डेली, एक कप सुबह एक कप शाम जी। तो इसका क्वांटिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना हमें पौधे का कितना टुकड़ा लेना है, कैसे पता लगेगा? एक उंगली जैसी मोटी लगभग होगी उसकी, एक गिलास जो है इसकी, मतलब लगभग 6-7 इंच का टुकड़ा हम ले लेंगे। फिर काट लो, कूट लो फिर, और पानी में 4 कप पानी उबाल लो। ये जो है तो उससे 2 बार की डोज बन जाएगी, 2 बार की डोज, आधे से 1 कप पी सकते हो, आधे से 1 कप पानी एक बार में पी सकते हैं। 1 कप पिए तो कोई नुकसान नहीं है, 1 कप से ज्यादा पियेंगे तब भी कोई नुकसान तो नहीं है? नुकसान तो है ही नहीं इससे, नुकसान बिल्कुल नहीं है जी। इसमें हम और साथ में कुछ और डाल सकते हैं या केवल इसी को खोलाते हैं? नहीं, इसमें कंजा की डंडी है वो डाल सकते हो, कंजा, हाँ कंजा, और गिलो, वो क्या नाम, बिसोटा, बिसोटा जी, बिसोटा भी डाल सकते हैं इसमें। तो उससे क्या होगा? उससे और इसमें कड़वापन हो जाएगा और इसमें एनिमिटी इसकी और बढ़ जाएगी, इसकी पोटेंसी बढ़ जाएगी। ओके, इसमें काला नमक वगैरह डाल सकते हैं हम साथ में? डाल, स्वाद के लिए काला नमक कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं जी। पानी का वॉल्यूम काफी कम हो गया है इसमें, हम इसको देख सकते हैं, ये लगभग 2 कप पानी रह गया है इसमें अभी भी, इसको और थोड़ा कम करेंगे। अब हमारी ग्लो की चाय ये बनके तैयार है, ये देखें पानी 1 कप पूरा रह गया है, अब आप इसका सेवन कर सकते हैं। धन्यवाद।